सो दैट इज वट आई एम सेइंग कि इस डाटा की जरूरत उस, उस लेटर में होते हैं जब आप फॉलो अप केयर के लिए मेडिकल टीम को भेज रहे हो डिस्ट्रिक्ट नर्स को भेज रहे हो सोशल वर्कर को भेज रहे हो बट इन लेटर्स में पेरेंट्स को तो पहले ही पता है वो गिर गया तो इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो छोटा कैसे कर सकते हो बस ये मेन चीजें लिखो

further improvement improvement in his condition आप ऐसा भी लिख सकते हो आपको फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शन आप ऐसा भी लिख सकते हो एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शन तो ये ऐसे खत्म हो जाता है फर्स्ट पैराग्राफ या फिर आप ऐसे लिखते हो हाउ एवर यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शन एट होम रिकवरी आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लीज जहां से वॉइस आ रही है प्लीज माइक सैलेंट कर दो अपना ठीक है सो so ये आप ऐसे भी लिख सकते हो सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर सन यहाँ पे राइटिंग मिस किया तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग योर सन मास्टर सेमी हु वॉज डायग्नोज यहाँ पे आना है However, you are advised to follow few instructions at home for his speedy recovery. वैसे तो इसमें कोई डिस्चार्ज वाली भी बड़ी बात नहीं क्योंकि एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रहा है पर कोई बात नहीं अगर लिख भी दिया इट डज नॉट मैटर आगे चलते हैं सो so अब बस इंस्ट्रक्शन देनी होती है फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ पूरा कर दिया तो एज यू नो के एज यू नो को कभी सो के बिना खत्म नहीं करना चाहे मैंने लाइन के बीच में भी यूज किया जैसे हम कह रहे हैं एज यू नो जैसा कि आप जानते हो हिज कंडीशन हैज हैज जैसे आपने कहा एज यू नो हिज कंडीशन है तो ये लाइन कभी खत्म नहीं हो सकती एस वाला सेंटेंस कभी सो के बिना खत्म नहीं हो सकता कंडीशन प्रूव होगी सो ही इज बीन डिस्चार्ज इसके बिना ये लाइन कभी पूरी नहीं होती तो इन लेटर्स में ये ध्यान रखना है जब भी एज यू नो वाले लेटर आते हैं जब आप कहते हो कि मेडिकल हिस्ट्री आपको पता ही है अगर फैमिली डॉक्टर को भी लिखते हैं एज यू नो दैट ही वॉज हैविंग पेन सो दिस मेडिकेशन वॉज गिवन तो एज यू नो को कभी सो के बिना नहीं लिखना कोई यहाँ पे कोमा आना चाहिए यहाँ पे कभी फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए तो एज यू नो कभी सो के बिना खत्म नहीं होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू मस्ट रिमेंबर इट वैन यू आर राइटिंग इवन टू द फैमिली डॉक्टर्स और वैन यू आर डिस्चार्जिंग बैक द पेशेंट बस इसके बाद सेकंड पैराग्राफ तो बिल्कुल फॉर स्पीडी रिकवरी के बाद सेकंड पैराग्राफ तो आराम से चला जाएगा सो नाउ फिर इंस्ट्रक्शंस को आप बोलने लग जाओगे कंडीशन एंड इवन आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज फीलिंग सोर सोर का मतलब पेन सो uh if the child is in pain please give him the painkillers as directed please be reassured. इसको थोड़ा सा चेंज कर दो it is important that child should not be overdosed nor he should become addicted to the medications you may give him painkillers regularly for first to 2 3 days as needed वैसे हम you we और i को अवॉइड करते हैं पर ये लेटर हम ये काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर है लेकिन पेरेंट्स को हम लिख सकते हैं that you are advised to follow yeah.

फिर एक बार ये वाली लाइन पूरी कर लो फिजिकल थेरेपी वाली अगर यहाँ पे भी दिया उस लाइन को इकट्ठा कर दो फिर एक ही बार लिखना इसको इंक्लूड मत करो कि ये जो कास्ट वाली ड्राई वाली बात है ये कास्ट कास्ट वेट है इसको एक बीच में मत लिखो जब कास्ट वाली बात शुरू करो तो ऐसे लिखना है कास्ट क्या है जैसे अगर के बाद हमें प्लास्टर चढ़ता है ना उसको कास्ट बोला है तो कास्ट को हमेशा ड्राई रखना है पहले ये एक प्लास्टिक बैग ओवर द आर्म रखना है शावरिंग के टाइम वैसे ये चीजें हम सबको पता ही है कि प्लास्टिक बैग को रखना होता है शावलिंग के टाइम वी ऑल नो दीज थिंग्स जब भी फ्रैक्चर होता है तो हमें ही सिखाया जाता है कि भाई ये सब चीजें करनी है है ना सो तो आपको ये सब चीजें पता ही है कि जब भी वो होता है किसी को फ्रैक्चर होता है तो हमें कास जो चढ़ाई जाती है उसमें बोलते ही है कि आपको ये नहीं करना आपको ये नहीं करना और आपको ये नहीं करना सो दिस इज द सेम काफ लेटर इज इम्पोर्टेंट और उसका अगर कास्ट यही कहना चाहता है कि उसको गिला नहीं होने देना मस्ट बी के प्लास्टिक बैग शुड बी पुट ओवर द आर्म वाइल्ड शावरिंग इफ द कास्ट डज नॉट बिकम वेट इट विल नॉट इफ डज बिकम वेट तो ये कहने का मतलब है अगर कास्ट गलती से गिली होगी आपको पता है, ये प्लास्टर अगर गिला होगा तो ये इजली ड्राई नहीं होगा एंड इन दैट केस यू आर एडवाइज टू यूज हेयर ड्रायर ऑन द कूल सेटिंग ठीक है तो वो जब भी अब हमारी प्लास्टर गीला हो जाता है तो उसको हेयर ड्रायर से हमें कूल सेटिंग पे करके उसको ड्राई कर देना चाहिए सो चाइल्ड कैन रिज्यूम लाइट एक्टिविटीज सो दैट इज आई एम सेइंग यू शुड यूज थिंग्स वन बाय वन एंड दैट इज वन वन ऑफ द मोस्ट तो इसी के पैराग्राफ के आप तीन चार पैराग्राफ बना सकते हो तो ओवरऑल लेटर जब मैं आपको ओवरऑल लेटर समझा रहा हूँ तो मैं अच्छे से बोल देता हूँ आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग यूअर सन मास्टर सैमी हुए विद डिस्टल फ्रैक्चर एंड नाउ हिस कंडीशन है्ज

फिर कास्ट का ध्यान कैसे रखना यह बताना चाहिए फिर उस कास्ट को उतारो दट द कास्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमूव आफ्टर दीज डेज

फिर ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज लोअर बॉडी की जिम पे तो साथ साथ करता रहे लेकिन विग्रस एक्टिविटीज को थ्री टू सिक्स मंथ्स के बाद ही यूज करेगा तो पहले कास्ट को रिमूव करो ठीक है इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोवाइड तो आप नर्सिंग डॉक्टर्स को आप हमारे डॉक्टर्स को तो यहाँ पे लिखो प्लीज स्पीक टू अवर नर्सिंग स्टाफ और अवर डॉक्टर्स इफ ए चाइल्ड सफर्स लॉट ऑफ पेन एट होम एंड नॉट गेट बेटर विदन किलर्स प्लीज कॉन्टेट द इमीडिएट अब ये इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है इसको लास्ट में लिख दो इट इज या प्लीज नोट इफ अ चाइल्ड डज नॉट गेट रिलीव विद किलर्स

नीस्क डाउट uh, जो लेट भी आए हैं आप सबको ये सेशन मिलेगा और प्लीज जो मैं आपको बार बार कहता हूँ एक रिकॉर्डिंग को एक बार नहीं दो तीन बार सुनोगे तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंक करेगी और फिर आपको दोबारा कभी नहीं सुननी पड़ेगी लेकिन अगर आप एक रिकॉर्डिंग को एक ही बार सुनते हो तो आपको हमेशा डाउट भी रहेगा और बार बार सुननी भी पड़ेगी इससे अच्छा एक ही बार कुछ और काम किए बिना दो तीन बार सेम रिकॉर्डिंग को सुनो इट वुड बी मोर इफेक्टिव Okay, this is Dr. Bupesh from Dr. BKM Institute. Thank you very much, guys. Now we're gonna to go to question answer rounds and you can ask me any question whatsoever you would like.